क्या आपको पता है ITO यानी इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के ऑनलाइन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2021 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको इसकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जब आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर अपनी इंफॉर्मेशन भरकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं इंडियन टैलेंट ओलंपियाड क्लास 1 फर्स्ट राउंड मैथमेटिक्स का 2018-19 का क्वेश्चन पेपर हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई वेंट टू बाय 8 पेंसिल्स फ्रॉम दी स्टेशनरी बट दी शॉपकीपर गेव मी 5 मोर पेंसिल्स फॉर फ्री। नाउ आई हैव डैश पेंसिल्स विद मी। ये फाइंड करने के लिए हमें 8 प्लस 5 करना होगा विच इज इक्वल्स टू 30। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। राम, हे रवि, डू यू नो माय रोल नंबर इज 27। Then Ravi says, that's great because my roll number is 29. I wonder which roll number is between you and me. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, let's help Ram and Ravi to find the correct answer. So 27 और 29 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 28. So option C is correct. चूज द ऑप्शन दैट विल कंटेन द पैटर्न। ये है हमारा पैटर्न। अब इसमें क्या फॉलो हो रहा है? सबसे पहले यहाँ सिंगल ए, फिर बी, फिर सिंगल ए और फिर डबल बी, फिर सिंगल ए एंड ट्रिपल बी। तो अब नेक्स्ट में क्या आएगा? ए और 4B, 1, 2, 3 and 4, ये होगा नेक्स्ट में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following clock shows the time more than 11 o'clock but less than 12 o'clock? 11 o'clock से ज़्यादा और 12 o'clock से कम। तो ये time हमें दिखा रहा है option D वाली clock। So हमारा question है, which of the following options will replace the blank boxes? यहाँ पर जो हमें दो boxes दे रखे हैं तो हमें ये फाइंड करना है कि किन दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे कि हमें 19 मिलेगा। तो इसका आंसर है 1 10s प्लस 9 1s। 1 10s यानी 10 प्लस 9 1s यानी 9, विच इज इक्वल्स टू 19। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉटल? यहाँ पर हमें एक डायग्राम दे रखा है और ये दे रखा है कि वन बॉल इज स्टैंड फॉर 1 unit। तो देखिए, यहाँ पर हमें फाइंड करना है इस बॉटल का वेट। यहाँ पर टोटल कितनी बॉल्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 बॉल्स इज इक्वल्स टू 1 bottle and 2 balls। ओके, तो अब हम ये 9 balls है ना, और ये दोनों देखिए यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम 9 minus 2 करेंगे। यहाँ 9 balls है, उसमें से हम 2 balls माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 7, और 1 ball यानी 7 units। तो ये बॉटल जो है वो ये 7 balls के बराबर है, यानी इसका वेट होगा 7 units। नेक्स्ट, इफ़ यू स्विच द पोजिशंस ऑफ 3, the digit 3 and 5 इन द नंबर 3659, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, दोनों की पोजिशन स्विच कर देंगे, तो हमारा नंबर आएगा 5639।
दी नंबर डज नॉट चेंज, ये चेंज तो हो रहा है. दी नंबर इंक्रीजेज, ये नंबर इंक्रीज कर रहा है. दी नंबर डिक्रीजेज, नो. दी नंबर हैज मोर डिजिट्स, नो. सो ऑप्शन बी दी नंबर इंक्रीजेज इज करेक्ट. नेक्स्ट, इन अ फॉरेस्ट देर आर 16 टाइगर्स, 25 वुल्व्स एंड 12 लायंस. If half of the lions are shifted to the zoo, then how many animals are left in the forest? तो सबसे पहले ये हमारे पास 12 lions हैं, यानी forest में 12 lions हैं, और उसमें से half zoo में चले गए, तो कितने lions बचे? 6. और हमसे पूछा गया है कि कितने total कितने animals हैं, तो 16 tigers, 25 wolves और 6 रिमेनिंग लायंस. इन सब को हमें अब ऐड करना है, तो इनको ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 47. सो ऑप्शन ए 47 इज करेक्ट. नेक्स्ट, रिया, सिया, राम एंड माही टुक अ पार्ट इन अ रनिंग रेस. राम केम आफ्टर सिया बट बिफोर माही एंड रिया. वॉज लास्ट, हु वॉन द रेस. तो यहाँ पर राम सिया के बाद आया, सिया फिर उसके बाद राम, और फिर राम जो है वो माही से पहले आया, यानी माही राम के बाद होगी. तो यहाँ हम लिख देते हैं एम माही के लिए, एंड रिया वॉज लास्ट, रिया लास्ट थी. तो ये देखिए, ये होगा उनका सीक्वेंस. सिया फर्स्ट आई है, सेकंड राम, थर्ड माही एंड फोर्थ रिया. तो अब हमसे पूछा है कि रेस किसने जीती, हु वॉन द रेस. तो फर्स्ट कौन आया है? सिया, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट. Next, what should be Rohan's answer to his mother's question? उसकी मदर का question है, Rohan, which number of the following is one less than 8 tens and 4 ones? One less than 8 tens, यानी 80 plus 4 ones. 4 ones यानी 4, 84. माइनस वन, माइनस वन. तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 83. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, जॉन हैड दिस डॉलर्स, इतने डॉलर्स हैं जॉन के पास. ही गेव $5 टू द शॉपकीपर, हाउ मेनी डॉलर्स आर लेफ्ट विद हिम. तो देखिए यहाँ पर कितने डॉलर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यहाँ पर है टोटली 9 डॉलर्स, और उसने 5 डॉलर्स एक शॉपकीपर को दे दिए, तो उसके पास कितने बचे? सो 9 माइनस 5 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 4, 4 डॉलर्स. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ पर 4 डॉलर्स दे रखे हैं. These two vases have different number of flowers in them. ये दो हमारे पास vases हैं. अब question हम पढ़ लेते हैं. Which of the following statement is correct? सबसे पहले हमें इन vases में कितने flowers हैं ये count करना पड़ेगा. तो vase A में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ए लिख देते हैं हम, इसमें है 9 फ्लावर्स, और यहाँ पर वास बी में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फ्लावर्स, तो यहाँ हम बी लिख देंगे, बी 7. अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. वास ए हैज 3 मोर फ्लावर्स देन वास बी, नो, 2 मोर फ्लावर्स हैं. बोथ वास ए एंड वास बी हैव इक्वल फ्लावर्स, नो.
Vase B has two less flowers than Vase A. Yes. Vase A has two less flowers than Vase B. No. So option C is correct. Identify the incorrect number in the pattern. तो इस पैटर्न में जो इनकरेक्ट नंबर हमें दे रखा है वो है 82, यहाँ पर इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन बी 82 इज करेक्ट. द सन इज जस्ट अबव योर हेड, व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज. जैसे आप यहाँ ये खड़े हैं और सन आपके हेड के ऊपर है, दिस इज द सन, ये आपके हेड के ऊपर है, तो क्या टाइम हो रहा है? तो वो होगा ऑप्शन बी नून. नून हो रही है, जब सन आपके हेड के ऊपर होता है तब नून होती है. सोनू हैज अ डाइस विद हिम, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप रीअसेंबल्स दैट डाइस. डाइस का क्या शेप होता है? डाइस देखा है आपने, उसका शेप क्या होता है? क्यूब. सो ऑप्शन बी क्यूब इज करेक्ट, उसमें क्यूब दे रखा है. रेशमा हैज 57 पोटैटो चिप्स, इफ शी गेव 10 चिप्स टू प्रेमा देन हाउ मैनी पोटैटो चिप्स आर रिमेन्ड विद हर. ये फाइंड करने के लिए हम करेंगे 57 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 47. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Rahul says that ask me, tell me which of the following number is 1 less than 110 and 6 ones. 110 yani 10 plus 6 ones. That means 16. So usne pucha kya hai ki tell me which of the following number is लेस देन 110 एंड 16 वन, यानी 16 से लेस कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए 110 एंड 0 वन्स, यानी 10, ये 16 से लेस है. आ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई विद ज्योमेट्रिकल शेप इज 2 इन नंबर. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रायंगल. Question number 19. Mom says, Rahul, there are 16 mangoes in the refrigerator. Rahul says, I want to prepare mango pulp. How many mangoes should I take? Then his mom says, Rahul, you can take 9 mangoes. Now, how many mangoes are left in the refrigerator? So, refrigerator mein totally 16 mangoes थे, जिसमें से 9 राहुल ने ले लिए. तो अब कितने मैंगोज बचेंगे? तो यहाँ पर टोटली बचेंगे 7 मैंगोज, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉट ऑप्शन ए, सॉरी. Yes, now question number 20. What is the sum of 5 tens, 3 ones and 2 tens, 9 ones? So 5 tens, 3 ones matlab 53 and 2 tens yani 20 plus 9 ones, 9. Inko hume add karna hai, to hume milega 82, yani 8 tens, 2 ones. So option A is correct. Which number line shows counting by 2s? So wo show kar rahi hai A. Dekhiye sabse pehle seedha 2 pe gaya, fir 2 se 4 and so on. So it's correct. The teacher has asked Rashmi to choose the correct option which shows the correct order of numbers in ascending form. In ascending form. तो ये हमारे पास options हैं. इन 4 options में से हमें निकालना है कि कौन सा
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, सो वो है ऑप्शन डी 37, 41, 48, 52 एंड 63। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। अब हम आ चुके हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग सेक्शन पर। जूही सेज आई हैव 22 रुपीज विद मी। मोना सेज आई हैव 33 रुपीज बट आई हैव टू गिव यू 17 रुपीज। नाउ हाउ मच मनी विल जूही हैव इन ऑल। तो जूही के पास ऑलरेडी 22 रुपीज हैं, प्लस फिर मोना ने उसको 17 रुपीज और दिए। तो अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 39। सो जूही के पास टोटली 39 रुपीज है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैच द फॉलोइंग, हमें इनको मैच करना है। तो यहाँ पर ए में 2 है ये, और यहाँ पर भी 2 है, तो इस तो ए का हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर 4 मैंगोज है, 4 का लिखा है 3 में, सो बी का हम लिख देते हैं 3। सी में है 1 स्ट्रॉबेरी ओनली, जो कि हमें 2 में दे रखा है 1, सो यहाँ हम 2 लिख देंगे। एंड डी, नाउ डी में 3 बनाना है, सो 1 जो है उसमें हमें 3 दे रखा है, सो यहाँ हम लिख देंगे 1। अब हमें ये ऑर्डर किस में दे रखा है, ये ऑर्डर हमें दे रखा है ऑप्शन सी में, सो इट इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोर स्क्वायर टाइल्स आर नीडेड टू फिल दिस गैप। ये वाला जो गैप है इसे फिल करने के लिए हमें टोटल कितनी टाइल्स चाहिए होगी। सो यहाँ पर हमें चाहिए होंगी टोटली इस गैप को फिल करने के लिए 16 टाइल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम आ चुके हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन पर। द सेवेंथ पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज डैश। सो दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज राइट। यहाँ पे हमसे पूछा है कि लेफ्ट एंड में से सेवेंथ कौन सा है, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, सेवेंथ आ रहा है ये अजय, सो ऑप्शन बी अजय इज करेक्ट। फाइंड द ऑड वन आउट, तो हमें इनमें से ऑड निकालना है। यहाँ पर ऑड ऑप्शन बी है, क्यों? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर जो है फिगर उसमें यहाँ पर स्टिक के एंड पर कुछ लगा हुआ है, थोड़ा थिक सा ब्लैक ब्लैक, और सी में भी लगा है और डी में भी लगा है, बट यहाँ पर बी में दिस इज मिसिंग, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल रोल। यहाँ पर ये ऑप्शन ए सिलेंडर और ऑप्शन बी बॉल तो रोल करेंगे, बट ऑप्शन बी क्यूब नहीं करेगा, सो ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। द वेट ऑफ वन बॉल इज डैश द वेट ऑफ एग्स, तो दिस इज इक्वल टू देम। देखिए ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं ना ये बैलेंस, तो ऑप्शन ए इक्वल टू इज करेक्ट। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 2 स्क्वेयर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन फिगर। हमें सबसे पहले यहाँ पर स्क्वेयर्स कितने हैं ये काउंट करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, टोटली 8 स्क्वेयर हैं। और हमसे पूछा गया कि 2 स्क्वेयर्स के अगर हम ग्रुप्स बनाना चाहेंगे तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, सो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू 4, सो ऑप्शन बी 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5, ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 एंड सर्कल इज इक्वल्स टू 8, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी, क्यों? यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर मतलब 5 प्लस ट्राइंगल यानी 3 इज इक्वल्स टू सर्कल यानी 8, करेक्ट है ये 5 प्लस 3 8 होगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
What will come next in the series? यहाँ पर A next आएगा, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो lines है ना उसमें एक एक line decrease होती जा रही है. Next तो हमारे last figure में 1, 2, 3, 4 lines है. इसके बाद आना चाहिए 3 lines वाला एक figure जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है. 1, 2, 3 ये 3 lines है. रजनी हैज 1 dozen ऑफ एप्पल्स. शी wants टू डिस्ट्रीब्यूट इट amongst 6 पीपल इक्वली. 6 पीपल में उसको डिवाइड करना है. हाउ मैनी एप्पल्स विल शी गिव टू ईच. तो ये फाइंड करने के लिए हम 1 dozen यानी 12 एप्पल्स को हम डिवाइड कर देंगे 6 से. 6 की टेबल में 12 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स. सो ऑप्शन बी 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज एग्जैक्टली द सेम एज द वन गिवन. इसकी तरह कौन सा सेम है? तो ऑप्शन सी में जो हमें दे रखा है ये दोनों सेम है. विच अल्फ़ाबेट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा ऑप्शन ए जिसमें हमें दे रखा है क्यू. यहाँ पर आएगा क्यू. सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए, और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.